अभी तो बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी कुछ परिंदों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी कुछ परिंदों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो हमने सिर्फ पर्वतों को लांघा है, अभी कहीं आसमान बाकी हो, कहीं आसमान बाकी हो, कहीं आसमान। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के माननीय अध्यक्ष, विद्यमान सांसद, हमारे बड़े भाई आदरणीय नंद कुमार सिंह जी चौहान, हमारे लोगों को जो संबोधन करके यहां से हमारी सबकी जयंती खासदार श्रीमती रक्षाताई खरसे, हमारे गुरुद्वारा जिला परिषद के सम्मानित अध्यक्षा, हमारी बहन सौभाग्यवती उमाताई शिवचंद्र जी ताड़े, हमारे भाई और सदैव हमारे साथ जुड़े रहते हैं महाराष्ट्र में मंत्री के रूप में जिनको जिम्मेदारी दी है, वे रंजीत जी पाटिल, यहां पर मध्य प्रदेश से आए बरहानपुर के महापौर श्री अनिल भाव भोसले, लेकर शिव छत्रपति का आशीर्वाद, चलो चले हम मोदी के साथ, जो आशीर्वाद देने वाले हैं शिवाजी महाराज भोसले थे और उनके ही हमारे यहाँ पर आज अनिल भाव भोसले आए हैं। हमारे भाई अशांत जी वानखे, श्री रामभोजी झापरे, श्री दादाराव जी पाटिल, शैलेश भाव मिर्गे, सुधीर भाव मुरेकर, शिवसेना के नेता श्री संतोष भाव डिबरे, श्री किशोर भाव नवले, श्री विजय भाव साठे और जो यहाँ पर हमारी रैली में उपस्थित रहे थे, वो शांताराम जी दाने और मंच पर उपस्थित पंचायत समिति की सभापति सौभाग्यवती अर्चनाताई शिवाजीराव पाटिल, रजनीताई भोसे और साथ ही साथ हमारे मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय मंच, जिन्होंने आशीर्वाद देकर हमारे लोगों को संबोधित किया, वे हमारे गुंडारा जिले के सांसद श्री प्रताप राव जी यादव, साथ ही साथ हमारे पालक मंत्री श्री संजय भाव कुटे और सभी यहाँ पर दूर दराज से आए हुए भारतीय जनता पार्टी के इस मलकापुर मतदार संघ के सभी कार्यकर्ता बंधु, हमारी बहनें और मेरा जोशीला युवा वर्ग, मैं आज किसी भी प्रकार का भाषण नहीं करूंगा, लेकिन मन का आनंद व्यक्त करने के लिए दो ही बात आपके सामने रखना चाहता हूं। दर्द ही दर्द भर गया है दिल में, दर्द ही दर्द भर गया है दिल में, इतना हसास कर दिया है कमने, जब किसी आंख से निकला आंसू अपनी आंखों के लिए हमने, अपनी आंखों के लिए हमने, लोगों का सुंदर पालने का काम भी हमने किया, और इसी प्रकार से हमारी संवेदना से परिपूर्ण हमारी सरकार ये आज तक सेवा का काम करते आए। मुझे आज भी याद है देश के बाद हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी, इन्होंने लोकसभा के पायली पर माथा टेक कर एक ही बात कही थी कि मेरा अंदर सबसे बड़ा पवित्र धर्म ग्रंथ है तो वो बाबा साहब
सबसे बड़ी पूजा है। उन्होंने आगे बढ़कर कहा कि मैं आज देश का प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक करके सामने आ रहा हूं। उन्होंने सेवा के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। हमारे राष्ट्र संत तुकोजी महाराज ने कहा था, जहां से हमारे राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, इनकी मां जनादेश यात्रा शुरू हुई। उन्होंने पिछले 5 साल में हमने क्या किया, ये जनता के सामने समर्पित करने का काम किया, तो वहां पर राष्ट्र संत तुकोजी महाराज का एक भजन मुझे याद आता है। उन्होंने कहा था, घड़ी घड़ी में कपड़े बदले, बाल में डाले कंगवा, ऐसी शान को कोई न पूछे, सेवा में हो ना हुआ। सेवा में जो आगे बढ़ेगा, और इसीलिए सेवा कार्य को हमने हाथ में लिया। मुझे आज भी याद है, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी, वो 1980 को बांद्रा रेक्लेमेशन के मैदान पर मैं वहां पर मौजूद था। और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी की स्थापना क्यों हुई, 1980 का दिन मुझे आज याद है। उन्होंने कहा था कि सत्ता हमें भी चाहिए, सत्ता को हमने केवल सेवा का साधन समझा है, सत्ता को सर्वस्व नहीं माना। हम परिश्रम की पराकाष्ठा करके पारदर्शी प्रामाणिकता का परिचय देकर हम परिवर्तन के सी लहर पैदा करेंगे, जिससे कांग्रेस का दुष्ट शासन समाप्त होगा और नए राम राज्य की स्थापना होगी। ये राम राज्य निर्माण करने साथी अपन काम करता है। आपका सर्वाना ठाकुर से आज कांग्रेस छात्र गणित गात्र पर स्थिति एक गुना चिनाए। कांग्रेस अपराधों को करता पक्ष है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी अमेठी पराभूत झाले, मराठाचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण नांदेडमध्ये पराभूत झाले, मुंबईचे अध्यक्ष मिलिंद देवडा हे मुंबईमध्ये पराभूत झाले। आणि इतकंच काय, विधानसभेमध्ये विरोधी पक्ष नेता हे सुद्धा भाजपमध्ये आले, त्यांना भारतीय जनता पक्षाने मंत्री केला। इतकंच काय तर त्यांच्या मुलाला सांसद सुद्धा केला, खासदार झाले। आणि आपल्या सर्वांचे दैवत असलेले छत्रपती शिवाजी महाराज, आज त्यांचे 14वे वंशज उदयन महाराज भोसले, शिवेंद्रराजे भोसले हे सुद्धा भाजपमध्ये आले, आपले उमेदवार झाले। अशा प्रकारचा हा काँग्रेसचा इतिहास। एक दिन मुझे भैया पूछ लिया था एक पत्रकार ने, संजय जी जी आप बताओ सोनिया गांधी जी में और अटल जी में क्या फर्क है। मैंने कहा सोनिया जी में और अटल जी में तो कोई तुलना ही नहीं हो सकती। नहीं बोले संजय जी आप बताओ सोनिया जी में अटल जी में क्या फर्क है। मैंने कहा सोनिया जी महज राजीव गांधी जी की पत्नी है और अटल जी देश के कर्तव्य नेता है। उन्होंने कहा संजय जी आप बताओ सोनिया जी मेरा जन्म में क्या चक्कर है। मैंने कहा सोनिया जी की जितनी उम्र है उतना तो अटल जी का संसद में काम है। आखिर उन्होंने पूछा सोनिया जी मेरा अटल जी में क्या फर्क है बताओ। आखिर मैंने जवाब दे ही दिया, सोनिया जी ने शादी के लिए देश छोड़ दिया और अटल जी ने देश के लिए शादी छोड़ दी। त्याग और निस्सीम सेवा की जिनकी विचारधारा है, जो अपने जनता के लिए समर्पित भाव से काम करते हैं, ऐसे हमारे राष्ट्रीय नेता है। आज सबसे बड़ी बात, अगर दुनिया में अपने देश की इज्जत बढ़ाने का काम अगर किसने किया, जो कांग्रेस ने 15 साल में हमारे भारत की छवि को धूमिल कर दिया था, भारताच्या प्रतिमेला जागाण्याचं काम केलं, इंडिया इज ए मुझे बिकॉज ऑफ द रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसी, बैड गवर्नेंस एंड करप्ट लीडरशिप, भ्रष्ट देश म्हणून अशा प्रकारचा त्यांच्यावर आरोप होता, त्यांना प्रतिमा उजाळण्याकरता जर कोणी काम केलं असेल तर फक्त
मोदीजींनी या जगामध्ये देशाची प्रतिमा वाढवण्याचं काम केलं आणि म्हणून अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प म्हणतात की मोदीजी है इंडिया, मोदी है तो मुमकिन है हे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष म्हणतात. आणि एक दिवस तर आपल्या केजरीवाल साहेब दिल्लीचे मुख्यमंत्री त्यांनी मोदीजींना सांगितलं, मोदीजी की आपको ट्रम्प पहचानता है? त्यांनी सांगितलं हो पहचानता है. बोले प्रमाण दीजिए. बोले चलो अमेरिका व्हाइट हाउस जाएंगे. गेले व्हाइट हाउस, मोदीजी म्हणाले तुम नीचे रुको, मैं ऊपर छत पर जाता हूँ, ट्रम्प और हम गले मिलेंगे, हमारे ताल्लुकात कितने मजबूत है ये तुम्हारे ख्याल में आ जाएगा. और फिर मोदी जी छत पर, ट्रम्प भी छत पर गए, गले मिले, उन्होंने सभी लोगों को हाथ बताया, दोनों को कहा. फिर उसके बाद जब वो लोग समझ गए कि इनके ताल्लुकात गहरे हैं, अब देश के अमेरिका में और इंडिया में बहुत ही गहरे ताल्लुकात बन गए. और उसके बाद वो जब नीचे आए तो केजरीवाल बेहोश पड़े ये देखकर उनको बड़ा आश्चर्य हो गया. उन्होंने उसके ऊपर पानी के छींटे मारे और उनको होश में लाया. जैसे ही होश में आए हड़बड़ा के केजरीवाल बोले कि भाई आप, मोदी जी ने कहा क्यों बेहोश हो गए थे? केजरीवाल हड़बड़ा के बोले यहां से जो अमेरिका की जनता जा रही थी और उन्होंने मुझसे सवाल किया कि ऊपर छत पर मोदी जी के साथ में कौन था. माने मोदी जी का वहां का गहरा ताल्लुकात अपने सबको ध्यान में आया. मैं अब सिर्फ इतनी बात कहूंगा, आपण 5 वर्ष सलग काम केलं, गेली 25 वर्ष आपण काम केलं, घराघरापर्यंत पोहोचलो. आज आपल्या समोर आव्हान आहे, कोणती निवडणूक युद्ध असते आणि युद्धामध्ये रक्त कमी सांडायचं असेल तर सरावात घाम जास्त घालला पाहिजे. निवडणूक कोणती असो, ही निवडणूक लोकसभेची असो, विधानसभेची असो, जिल्हा परिषदेची असो की ग्रामपंचायतची असो, निवडणूक होते कुठे? बूथवर. आणि लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये आपण सर्वांनी प्रचंड यश आपल्याला मिळवलं. भारतीय जनता पार्टीला 61,000 मताधिक्यानं आपल्या मलकापूर विधानसभा मतदारसंघामध्ये आपण आघाडी दिली. हे यश हे कुणाचं नाही, हे आमच्या बसलेल्या समोर भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांचं यश आहे. आपण असं आहे की आपण प्रचंड मताधिक्याने विजयी झाला आणि म्हणून आपल्याला गेल्या 25 वर्षामध्ये आपण जिल्ह्यातच नव्हे सर्व ठिकाणी सर्वात जास्त मताधिक्याने निवडून दिला, हे आपण कदापि विसरणार नाही. वडोद्या या गावामध्ये बूथवर आपल्या एका कार्यकर्त्याने जो बूथ प्रमुख आहे त्याचा सत्कार केला. 540 मतदानापैकी 502 मतदान हे भारतीय जनता पार्टीला मिळालं. 80% मतदान अनेक बूथवर मिळालं. आपल्या या ठिकाणी प्रचंड यश खेचून आणणारा हा कुणी नाही, आपला कार्यकर्ता आहे. ही पार्टी जी आहे एक कार्यकर्त्याची पार्टी आहे आणि म्हणून तुमच्या जोरावर आणि तुमच्या सामर्थ्यावर भारतीय जनता पार्टी विजयी झाल्याशिवाय राहणार नाही. आणि म्हणून सदा सणासुदीच्या दिवशी जसं दिवाळीचा सण येणार आहे, दिवाळी कोणत्या दिवशी असते? मानवी अमावस्येच्या दिवशी. अमावस्या हे अंधकाराचं प्रतीक आहे. पण दिवाळीच्या दिवशी किती दिवे लागलेले असतात? दिवाळी हे उजेडाचा सण आपण साजरा करतो. आपली दीपकांची मांदी आधी लागलेली असते म्हणून आपल्याला म्हटले जाते. हे शेवटच्या 4 ओळी लक्षात घ्या. सध्या गांधी आणि वाजपेयी म्हणाले दिवाळी म्हणजे अंधकार से प्रकाश की ओर, बंधन से मुक्ति की ओर, जीवन से अमरत्व की ओर, ये है मनुष्य का नित्य किंतु नूतन पथ. इस पर अग्रसर होते हुए हर आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है.
दिवाली एक अंधकार पर प्रकाश की विजय का पर्व है। जब अमावस्या का अंधेरा सारे पृथ्वी को निकलने पर उतारू होता है, तब एक छोटा सा दिया अपने हृदय का सारा लेह निचोड़कर, एक कार्यकर्ता अपने हृदय का सारा लेह निचोड़कर अंधकार से अलौट करते रहता है। लेकिन दीपक की साधना तभी फलीभूत होती है जब पूर्व से सूर्य का उदय होता है। तो अंधकार को गलने से, सूरज को निकलने से और कमल को खिलने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। बोलो भारत माता की, भारत माता की। आता इथून गेल्यानंतर आपण आपल्या बूथवर सोडू नका, तिथे काम करा। आणि जो संकल्प आपण घेऊन जाता है तो संकल्प सिद्धीस नेण्याकरता विजयाचा संकल्प पूर्ण करण्यासाठी जब तक न हो सफल नीम चैन की त्यागो तुम, जब तक न हो सफल नीम चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़कर मत जाओ तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी। धन्यवाद।